स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? ए नीति आयोग, बी वर्ल्ड बैंक, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आंसर, बी वर्ल्ड बैंक। एक्सप्लेनेशन, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में सिक्किम इंस्पायर पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम प्रशिक्षण और रोजगार पहल के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? ए असम, बी मेघालय, सी बिहार, डी नागालैंड। आंसर, ए असम। एक्सप्लेनेशन, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान जोरहाट असम में वीर लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बोरफुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमता को मान्यता देते हुए हर साल 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन है? ए सौरभ गांगुली, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी एम एस धोनी। आंसर, सी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व दिग्गज भारतीय कप्तान खिलाड़ी एम एस धोनी को पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। रोहित करियर का 212वां लगाते ही यह उपलब्धि हासिल की। धोनी के कुल 211 छक्के हैं। इसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है। अगला प्रश्न, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? ए अभिनव मुकुंद शर्मा, बी विनय कुमार सिंह, सी चरणजोत सिंह नंदा, डी रंजीत कुमार अग्रवाल। आंसर, डी रंजीत कुमार अग्रवाल। एक्सप्लेनेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शीर्ष संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICI ने रंजीत कुमार अग्रवाल और चरणजोत सिंह नंदा को क्रमशः संस्थान का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना है। रंजीत कुमार ICI के 72वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न, इरिडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए IIT भुवनेश्वर, बी IIT मुंबई, सी IIT दिल्ली, डी IIT वाराणसी। आंसर, ए IIT भुवनेश्वर। एक्सप्लेनेशन, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरिडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT भुवनेश्वर के साथ एक समझौता किया है। इरिडा एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी।